हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हो गया है डे फाइव। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ मुनाल। आज कहाँ कहाँ घूमेंगे वो मिसेस पटेल बताएंगे आपको। आज हाँ मिसेस पटेल, कहाँ कहाँ घूमना है आज? तो आज हम यहाँ जाएंगे जहाँ पे पास पास की जगह है, जैसे मॉल रोड से आस पास की 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर में जो जो भी जगह है एक दो बता दो। घुमाएंगे हम, पहले जाएंगे अभी हिडिम्बा देवी टेम्पल, उसके बाद जाएंगे जोगिनी वाटरफॉल, फिर उसके बाद जाएंगे देखते हैं पास पास आस पास जो है मनु टेम्पल है, उसके बाद है वो एक पार्क और है, ये बुद्धि मिनिस्ट्री एक है, ओल्ड मनाली है, तो यहाँ देखते हैं आज दिन में कितना घूम सकते कितना घूमेंगे। यहाँ पे अभी लोग आप भी हमारे साथ घूम के आइए, आपको भी हम दिखाएंगे पूरा नज़ारा। तो चलिए चलते हैं हमारे साथ घूमने के लिए। यहाँ पे पार्किंग है, बाइक पार्क वगैरह कर सकते हो, और चल के आने का भी एक रास्ता है उधर से। पार्किंग का 50 रुपये और बैग को एक दुकान में रख रहे हैं हम, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाहर प्रसाद मिल रहा था तो मिस्टर पटेल ने ले लिया, प्रसाद चढ़ाएंगे। चलिए अभी अंदर जाते हैं। ये है छोटा सा नज़ारा इधर का साइड का, उधर भी शायद स्टॉल वगैरह है, अभी तक खुला नहीं है। अरे वाह, बहुत अच्छी जगह है ना, देखो ये पेड़ बहुत अच्छी लगती है, मतलब व्यू के लिए। देखो पूरा शिमला से बाहर छोटी सी ऊपर है, छोटी सी जगह पे पूरा शांति खासा जगह है। शिमला मनाली में कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। देखो बहुत ही अच्छा नजारा है। तो
ट्रीज का नाम है ये क्या भगवान कितना बैठ गए आके ये देखिए ऊपर से फाइनल व्यू हिडिंबा देवी टेम्पल का ये रहा आगे बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है चारों तरफ बस हरियाली हरियाली है नेचर के बहुत ही अच्छा है बहुत सी शांत सी जगह ही जब आओगे तो एक बार इधर जरूर आना चलिए स्टार्ट कीजिए बताइए क्या क्या पता है मंदिर के बारे में जय माँ हिडिंबा देवी ये जो महाभारत काल के अपना भीम जो थे उनके वाइफ थे हिडिंबा हिडिंबा एक एक्चुअली राक्षसी थी लेकिन जब वो वनवास काट रहे थे पांच पांडव तब भीम ने इनको हराया था इसी जंगल में तो फिर उनका शादी हो गया था शादी होने के बाद उनका एक लड़का भी हुआ घटोत्कच उनका मंदिर उस साइड ऊपर में है और ये मंदिर का परिक्रमा आपको कराते हैं अभी आ जाओ चलिए ये मंदिर का एंट्रेंस है कितना बड़ा लंबा लाइन लग गया है वो देखो हम सुबह आए थे तो जल्दी जल्दी दर्शन कर लिए थे ये देखो इतना बड़ा लंबा लाइन लगा है
अंदर फोटोग्राफी मना है। ये वीर घटोत्कच का मंदिर उधर है आगे, अब वहां चल रहे हैं हम। यहाँ अंदर का बता देता हूँ, हिडिंबा देवी की पैरों का वो बनाया गया है प्रतिबिंब पत्थर में, और अंदर शिवलिंग है बड़ा सा, जिसे जिसको हिडिंबा देवी ने महाभारत के काल में पूजा किया था और तपस्या किया था, जब तक भीम उनके पास लौट के नहीं आते। चलो अभी आपको दिखाते हैं घटोत्कच टेम्पल। चलो भैया बैठो, अजू याक में क्या नाम है, बैठो अजू याक में बैठ के फोटो राइट देखो। आइए सर, केसर होंगे केसर। पास जाना मना है। मंदिर दर्शन के बाद अभी हम लोग रुक गए हैं थोड़ी से खाना पीना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुबह ब्रेकफास्ट किए नहीं तो बहुत ही भूख लग रहा है। मेरा आलू पराठा, इनका भी आलू पराठा, मेरा दही एक्स्ट्रा, ये मैडम दही खाते नहीं। ये मिर्ची का अचार है, टेस्ट कैसा है? नॉर्मल अचार है, टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है। चलो फिर अभी हम पहुंच चुके हैं ये जोगिनी वाटरफॉल, और हमने बाइक पार्किंग नीचे कर दी है क्योंकि हमें पता नहीं था ना, तो आप ऊपर भी ला सकते हो, इधर तक है, बहुत ही ज्यादा ऊपर तक है, ले लो। इधर भी पार्किंग है, हमने नीचे छोड़ दिया बेकार में। पेड पार्किंग है, आप लास्ट पॉइंट तक ला सकते हैं बाइक। कोई हाँ। बोलता है कि पैदल चल के जाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप बाइक पहाड़ के ऊपर ला सकते हैं। ये इधर तक है शायद लास्ट, देखते हैं आगे। हमें पता नहीं था, और जो ये वीडियो को देख रहे हैं वो अपना बाइक ला सकते हैं। ऑल्टो भी आ रखा है इधर, ये देखो ये लास्ट है। छोटा सा जुगनी वाटरफॉल, ओ भाई ये देखो, इधर भी ऑल्टो एक पार्क है, इधर एक बोलेरो, और ऊपर बाइक्स हैं। वो देख रहा है कि नहीं देख रहा पता नहीं, रुको दिखाता हूँ मैं। ये भाई देखो 0 पॉइंट तक है, बाइक ला सकते हैं, ठीक है।
बाइक वाले जिनको पता है वो ले आए हैं भाई, हमें पता नहीं था तो हम काफी नीचे छोड़ के आ गए हैं। ये नहीं, आप अगर अच्छा राइडर हो तो ला सकते हो ऊपर। ओ भाई वो रहे बंदे ऊपर, वहां ऊपर तक जाना है। अब चढ़ते टाइम इनकी हालत पतली हो गई और यहाँ जगह जगह पे स्टॉल लगा रखा है। यहाँ से व्यू देखो भाई कितना मजेदार, ये देखो स्टॉल स्टॉल। अरे वो बोले कि ऊपर जाने के लिए 1 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर बोला उन्होंने। चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। ऐसे वाटरफॉल तो हमारे ओडिशा में भी हैं यार। ओ रहा थोड़ा वो ठीक है, यहाँ आंटी जी भुट्टा सेक रहे हैं तो हमें एक भुट्टा खाने का दिल किया तो एक ऑर्डर कर दिया है। ये लोग कितने डेंजर में हैं देखो, ये ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर जो बोलते हैं ना सही सर पे खड़ा है ये, सच में भाई ये पत्थर सारे ना सर पे खड़े हैं। ओ भाई बहुत ही डेंजर, ये कपल्स को देखो कहाँ एडवेंचर करने जा रहे हैं, ये मुश्किल है। बहुत ही सुंदर है, जितना सुंदर है उतना डेंजर भी है। उधर जाना पड़ेगा क्या? ना ना उधर कौन से गए लोग बोलते हैं भुट्टा, हमारा गर्मा गर्म भुट्टा आ गया। चलो इसका एंजॉय करते हैं। ओ भुट्टे और पहाड़ियाँ, टेस्टी है, मस्त बहुत ही ज्यादा। मैं आ गई, वाओ व्हाट अ व्यू। पानी बहुत ठंडा है। Yeah, I feel like I'm going to go to the next one.
कर दिए इसको डाला। ये उनका ग्रंथ होगा, नहीं तो कुछ कपड़ा होगा। हाय फ्रेंड्स, अभी हम घूमने आए हैं बुद्धिस्ट मोनेस्टरी मनाली का। चलो आपको एक छोटा सा नज़ारा दिखाते हैं। ये मोनेस्टरी अपना मनाली बस स्टैंड के नज़दीक है और माल रोड का भी नज़दीक है। आप बस स्टैंड से या माल रोड से पैदल खुद आ सकते हैं। यहाँ पे दो स्टेयर हैं, नीचे आप पूजा कर सकते हैं और ऊपर के साइड में मोटिवेशनल हॉल है और आप फ़ोटो खींच सकते हैं। पर पर्सन 20 रुपये है किराया, फ़ोटो खिंचवाएंगे तो फ़ोटो खिंचवाएंगे मतलब अपना मोबाइल से खींचेंगे तो 20 रुपये है। और ऊपर डोनेशन बॉक्स है, जिसका जो मन है वो उतना डोनेट कर सकता है, वो कोई कंपलसरी नहीं है कि डोनेट ही करना है। और जूता रखने के लिए शू स्टैंड है फ्री का, कोई पैसा नहीं उसका। और बाकी ये छोटा सा गार्डन बाहर है, बहुत ही अच्छा लगा आके, पीसफुल जगह है, ज़्यादा क्राउड भी नहीं रहती यहाँ पे और यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी है। ये लोग आप देख सकते हो और बाहर, इसके बाहर आप लोग सामान, तिवेतियन मार्केट है, वहाँ से आप ले सकते हो कुछ सामान वगैरह लेना हो तो। और इसके अच्छा बगल है, में एक पहाड़ी पहाड़ है, वो भी बहुत ही जबरदस्त दिखता है इधर से, अच्छा दिख रहा है। ये देखिए पहाड़ का थोड़ा नज़ारा और ये टेम्पल है। इधर उड़िया खाना भी मिल रहा है और ये मोनेस्ट्री का कैंटीन भी है। होम डिलीवरी भी है, ऑर्डर भी कर सकते हो घर पे। Done.
रहता है। तो यही था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ये हमने शेयर करवा दी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और कल मिलते हैं कहाँ पे? कल मिलते हैं कुल्लू पे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।